ठीक है मैं मैं आपके पास आऊंगी उमाकांत नंद जी आपसे मैं जानना चाहूंगी रहे आप तो ये होती हैं है, वो खुद माइंड रीडर है वो जानते हैं इस विद्या को कि कैसे लोगों की आंखें पड़ी जाती है कैसी उनकी समस्याओं को उनके सामने रखा जाता है लेकिन एक सीमा होती है और उस सीमा को जब आप क्रॉस कर देंगे तो फिर आप अंधविश्वास के दायरे में प्रवेश कर जाएंगे उस दायरे को कैसे समझा जाए किसी विद्या का अगर आपको ज्ञान हो गया है? देखिए ये मेंटलिस्ट है दो, इनका का जो उन्होंने अच्छा कहा अपने हिसाब से लेकिन मेंटलिस्ट होना मन पढ़ने की प्रैक्टिस करना आंखों को देख के हाव भाव चेहरे के सिकन को देख के एक विद्या है और उसकी एक लिमिट होती है लेकिन नाद योग साधना त्राटक साधना ऐसी साधनाएं हैं है जिसमें थर्ड आई भी जगाई जाती है और साधना करके प्योरिटी आती है तो अपने इष्ट से संदेश भी पाया जा सकता है ये साधना का विषय है मेंटलिस्ट का विषय नहीं है जो लिमिट से बाहर की बात कर रहे हैं तो उनका बात भी कहना ठीक है कृषि से हर दिन हर महीने हर साल इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है फिर देरी किस बात की फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए लेकिन एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है अध्यात्म साधना का जिसमें आप सामान्य तौर पे अभी देखेंगे टेलीविजन पे बहुत सारे मेंटलिस्ट आते हैं जैसे अपने सुमित जी है सुहानी शाह है और भी सब कई है लेकिन और भी आ रहे हैं बच्चे जो नाद योग की प्रैक्टिस उनके टीचर्स कराते हैं वो आंख बंद करके सूंग के किताबें पढ़ते हैं पैसे को रुपयों को छू के रुपये का नंबर बता देते हैं इसमें तो कोई अंधविश्वास नहीं टेलीविजन पे शो हो, हो रहा है और प्रैक्टिस करा के कराया जा रहा है ये नहीं कहा जा रहा है कि ये कोई आध्यात्मिक चीज है ये प्रैक्टिस है एक विषय दूसरा आपने जो उन्होंने सनल जी ने कहा था कि इसमें किसी भी धर्म के द्वारा कि भूत प्रेत बाधा आदि के बारे में करके किया जाए तो गलत है बात उनका एकदम सही है कि चाहे वो क्रिश्चियनिटी धर्मांतरण करा रही हो भूत प्रेत पकड़ के या इस्लाम करा रहा हो या हिंदू करा रहा बात उनकी एकदम सही है लेकिन ये कहना कि अदृश्य शक्तियां होती ही नहीं भूत प्रेत होते ही नहीं तो अभी इस पे अध्ययन की जरूरत है मोडी नाम के एक राइटर है उनकी दो पुस्तक है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट लाइफ आफ्टर लाइफ स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है लाइफ आफ्टर डेथ पंडित श्री राम आचार्य की पुस्तक है भूत क्या होते हैं और क्या करते हैं कृषि से हर दिन हर महीने हर साल इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है फिर देरी किस बात की फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए हमारे भारतीय संस्कृति में मरने के बाद के अस्तित्व होता है हम ये नहीं मानते कि शरीर ही आत्मा है मर गए और खत्म हो गया तो उसमें से किसी का जन्म हो जाता है और जिनका जन्म नहीं होता है और परिस्थितियां ठीक नहीं रहती है उनको भूत प्रेत आदि नामों से जाना जाता है और इसकी बाधा भी लोगों पे होती है एक और सनल जी का कहना था कि भूत प्रेत के द्वारा बीमारियां आती है ऐसा माना जा रहा है नहीं कुछ परसेंट लोगों पे भूत प्रेत टाइप का होता है बाकी तो कैंसर के मरीज है बाकी कोई कोरोना के मरीज है वो दवाई से ठीक होते हैं और जो जब मर्की मर्फी के हिसाब से आप अपने सबकॉन्सियस में पॉजिटिव थिंकिंग फीड करके कि हम स्वस्थ हैं स्वस्थ हो रहे हैं अपनी सेल्फ फीलिंग कर सकते हैं अपने विश्वास के द्वारा अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों को लगा एक्सीडेंट हुआ हाँ। और एक्सीडेंट में उनके गुरु जी आए देवता आके उनको बचा ले गए उनके कोई देवता नहीं आए थे हमारा सेल्फ हमारे सेल्फ में वो पावर है कि वो इमेजिन करता है कि और अंदर की आंतरिक शक्तियां ही हमको बचा लेती है तो हम उसको भले ही मानने लगते हैं कि हमारे देवता थे अब उसको विश्वास कहें या अंधविश्वास कहें इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर